और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गजानन जी की शरण में, यानी कि मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र आज है और ये आपको जयपुर से लाइव मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। गजानन गणेश का अभिषेक किया जा रहा है गुरु पुष्य नक्षत्र पर, पंचामृत अभिषेक किए और उसी की ये तस्वीरें हैं। 351 महिलाएं लेकर आई हैं कलश और कलश के जल से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ तृप्ति सहयोगी जुटी हैं। तृप्ति, ये तस्वीरें, पंचामृत अभिषेक हो रहा है और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल मेघा, अभी की अगर मैं बात करूँ तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और इसमें गजानन महाराज का पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। मेघा, ये दिन इसलिए खास हो जाता है कि गजानन का जन्मोत्सव आने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाली है और उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों की कड़ी में आज गजानन का पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात मेघा की 351 महिलाएं जो है वो कलश में जल लेकर आई है और इसी जल से गजानन का जो अभिषेक है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा मेघा, जैसे कि हर महीने पुष्य नक्षत्र पर गजानन का अभिषेक किया जाता है तो उसी को लेकर उसी की तरह आज भी 500 किलो दूध, 50 किलो बूरा, 100 किलो दही, 11 किलो घी और 11 किलो शहद से जो है वो पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। मेघा, आज ही के दिन ध्वज जो है, गजानन जी का ध्वज जो है उसका भी पूजन जो है वो अभी किया जाएगा। उसके बाद में उन्हें नवीन वस्त्र धारण करवाए जाएंगे और फूल बंगला झांकी जो है उसमें उनको विराजमान कर दिया जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, बहुत ही अलौकिक इनका रूप है अभी जिसको देखने के लिए कह सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। मोती डूंगरी ऐसी जगह है मेगा जहाँ पर आए दिन, मतलब हर सुबह श्रद्धालु यहाँ पर गजानन का गजानन के दर्शन कर ही अपने अपने काम को यहाँ पर जाते हैं। तो उसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जो है वो गजानन के कार्यक्रम चल रहे हैं, मोती डूंगरी में लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर जो है वो कतारें लग गई थी और लोग इस दृश्य को अपनी नजरों में, अपने दिल में कैद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और उनके अभिषेक जो है उसके दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो है बाकी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कल भी यहाँ पर मोदकों की झांकी सजाई गई थी मेघा। आगे के कार्यक्रम भी यहाँ पर है कि अब जो है वो गजानन को रिझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा कि ध्रुपद गायन होगा, कथक नृत्य होगा और इन सबसे गजानन को रिझाया जाएगा और उसके बाद में और भी जो कार्यक्रम जो चिन्हित है वो कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। तो अभी की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खूबसूरत इसलिए है क्योंकि जयपुर का हर एक इंसान अभी गजानन के इस अभिषेक को देखना चाहता है और हम फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सभी को इसके दर्शन भी करवा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गजानन का पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। अभी जल से उनका अभिषेक किया जा रहा है, थोड़ी देर में दही, दूध, शहद, बूरा इन सभी से उनका अभिषेक किया जाएगा जिसके बाद में उनको नवीन वस्त्र धारण करवाए जाएंगे, फूल बंगला झांकी में उनको विराजमान किया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो भी होगी और उसके बाद में आज उनके ध्वज का जो पूजन है वो भी किया जाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जिसमें तमाम जो दर्शक हैं वो इन तस्वीरों को देख सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हर रोज़ भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और जो लोग नहीं जा सकते हैं, जिनका सामर्थ्य नहीं है कि अभी पहुंच सकें मंदिर, वो लोग फर्स्ट इंडिया के द्वारा भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तृप्ति, ये तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ जहाँ लाइव वो तस्वीरें हैं जहाँ पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं कलश लेकर पहुंची हुई हैं। फिलहाल जो अभिषेक हो रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभिषेक का महत्व क्या रहता है, क्योंकि पांच चीज़ों से ये अभिषेक किया जाता है, क्या कुछ महत्व इसका रहता है और जो महिलाएं पहुंची हैं कलश लेके, अब आगे क्या कुछ रहने वाला है? हर महीने पुष्य नक्षत्र पर यह अभिषेक जो है यहाँ पर किया जाता है। महंत कैलाश शर्मा जी जो है वो हर महीने इस दिन इस अभिषेक को करते हैं जिसमें वो दूध, दही और शहद, पूरा केवड़ा जल सभी से गजानन को जो अभिषेक करते हैं, उसके बाद में उन्हें नवीन वस्त्र धारण करवाते हैं। हर महीने एक फूल बंगला झांकी जो है वो यहाँ पर तैयार की जाती है और अगर आज की मैं बात करूँ तो महिलाएं
जो अभी यहाँ पर कलश लेकर आई हैं, जल लेकर आई है। पहले से तय किया गया था कि इस बार का जो गुरु पुष्य नक्षत्र है, इस पर जो अभिषेक होगा वो महिलाओं के द्वारा लाए गए जल से होगा। अब आप तस्वीरों में भी देख सकती है कि कैसे महन जी महिला से जल लेकर, उनके कलश को लेकर अब इस जल से जो है आराध्य का अभिषेक हो रहा है। और साथ ही साथ 500 किलो दूध भी है, 50 किलो जो बूरा है, 100 किलो दही है। तो ये पंचामृत अभिषेक, और क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है ऐसे में ये खास हो जाता है, और गणेश चतुर्थी भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तृप्ति, पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।